रिया चक्रवर्ती एक भारतीय फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड एवं दक्षिण भारतीय फिल्मों दोनों के साथ जुड़ी हुई है। इन दिनों इनका नाम काफी सुनाई दे रहा है, बस इस वजह से नहीं कि उनकी कोई नई मूवी आने वाली है, बल्कि इनका नाम हाल ही में आत्महत्या करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़ा रहा है। खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इनके खिलाफ केस दर्ज कराया। रिया ने अब तक कई सारी मूवी एडेस, विजय एवं एमटीवी में काम किया। इनके जीवन की कहानी एवं सुशांत सिंह राजपूत के साथ इनका संबंध आदि की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा से अभिनेत्री संजना संधी ने कैसे की अपने करियर की शुरुआत। तो रिया चक्रवर्ती का जन्म बेंगलोर में रहने वाले एक बांगली परिवार में हुआ। इनके परिवार में इनके माता पिता एवं भाई है। रिया ने अपनी पढ़ाई आमला के आर्मी पब्लिक स्कूल से पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रिया ने अपना करियर मॉडलिंग में बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई शहर की ओर अपना रुख किया। इसके बाद उनका पूरा परिवार भी यहीं रहने लगा। रिया ने अपने करियर की शुरुआत सन 2009 में टेलीविजन से की। एमटीवी इंडिया के टीवीएस स्कूटी टीना डीवा में वे पहली बार रनर अप बनी थी। इसके बाद इन्होंने एमटीवी दिल्ली में विजय होने के लिए ऑडिशन दिया था और इनका इसमें चयन हो गया था। इसके बाद रिया ने पेप्सी, एमटीवी वसा, टिक टैक, कॉलेज बीट और एमटीवी गोन जैसे एमटीवी शोज की मेजबानी की है। सन 2012 में उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु फिल्म तूनिगा तूनिगा से की, जिन्होंने उसमें निधि का किरदार निभाया था। सन 2013 में उन्होंने जलसेन के रूप में मेरे डेड की मारुति फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर में एंट्री की। इस फिल्म को असीम छिब्बर ने निर्देश किया था। यह फिल्म में उनका पंजाबी मूल लोगों को काफ़ी पसंद आया था। सन 2014 में रिया ने सोनाली केवल में सोनाली की भूमिका निभाई। सन 2017 में वे IFR के बैंक चोर दिखाई दी। फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर थी। उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड एवं दोबारा सी और इविल में भी काम किया था। इस फिल्म में सहायक किरदार में दिखाई दी थी, जिसकी काफ़ी प्रशंसा भी की गई। सन 2018 में वे नए अभिनेता वरुण मित्रा के साथ फिल्म जलेबी में काम किया था। तेलुगु एवं हिंदी फिल्मों में काम करने के अलावा सन 2019 में वे तमिल फिल्म धनुषु राशि नायिका में भी नजर आई। रिया ने अब तक के करियर बहुत अधिक फिल्मों में काम तो नहीं किया, लेकिन उनकी अभिनय शैली और लोगों को काफ़ी पसंद आई है।